अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज बना रहे हैं बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त आलू की रेसिपी। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड कर लिया हमने ऑयल, उसको हीट अप किया। आफ्टर देन ऐड कर लिया क्यूमिन सीड, मोटी इलायची और ब्लैक पेपर। इनको हम वन प्लेट फ्राई करेंगे एंड आफ्टर देन ऐड कर लेंगे हम चॉप्ड ऑनियन। ये मीडियम साइज़ के दो ऑनियन हैं जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो तब तक के लिए जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक मस्त करिएगा और 100% आपको जो है ये वीडियो पसंद आएगी ये रेसिपी। अच्छा, यहाँ पे नोट करने वाली बात है बिगिनर्स के लिए, यहाँ पे मैंने जैसे ही ऐड किया है इसमें ओनियन, साथ ही में पाउडर मसाले ऐड नहीं किए। इसको मैंने 2 मिनट्स के लिए शैलो ब्राउन किया है ओनियन को। आफ्टर देन ऐड कर लिया फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड नाउ आई एम एडिंग द पाउडर मसाला चॉप। ठीक है, एकदम से जब चीज़ें ऐड कर देते हैं तो वो अच्छे से फ्राई भी नहीं होती और ये जो मसाले उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनको जल्दी से गला देते हैं, विदाउट वो फ्राई हुए ही गलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, मसालों का मकसद होता है इनको चीज़ें गलाने का। अब आफ्टर देन इसमें ऐड कर लिया है जी टमाटर और जो स्पाइसेस हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है ना वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इसको हम यहाँ पे कम अज़ कम 5 से 6 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको स्टीम कर लेंगे ताकि जो है ये ऑनियन और टमाटो ये अच्छे से जो स्टीम होके सॉफ्ट हो जाए और ये इस सालन में नज़र नहीं आए। और साथ साथ मैं बता दूँ, मैंने कीमा जो है बॉयल करके साइड पर रख लिया था, अभी वो मैंने इसमें ऐड कर लिया और कीमे को 5 मिनट के लिए मैंने भुनाई की और साथ में ऐड कर लिए हैं इसके अंदर आलू। अभी इसको हम कम अज़ कम 10 मिनट के लिए ना लो टू मीडियम फ्लेम पे इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे एंड आफ्टर देन हम इसमें ऐड कर लेंगे जिसमें हमने कीमा बॉयल किया था वही वाला वाटर। जितना आपको इसके अंदर ग्रेवी पसंद है उस हिसाब से आप ऐड कर लें वाटर। और इसमें मैंने फ्रेश जो है ना ग्रीन चिलीज़ वो ऐड कर लिया। इसको मैंने यहाँ पर दम पर लगा दिया 5 मिनट के लिए। ये देखिए रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं पेपर और जैसे ही मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया इसको 2 मिनट के लिए मैंने अगेन जो है वो इसको थोड़ा सा इसकी भुनाई की है, इसको ऊपर रहने दिया ताकि ब्लैक पेपर इसके अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और साथ ही इसको हम कर लेते हैं सर्व। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कोरिया का वेदर कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में मस्त बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।